सोनम, विशु आया था क्या वहां पे? विशु गायब कैसे हुआ? पापा विशु। पापा, इस आदमी की फितरत ही ऐसी, ये कभी अपनी गलती नहीं मानता। कृति, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। मैंने तुमसे पहले कहा था ना, अपने झगड़े जब करा करो जब बच्चे घर पे ना हो। आज जो इस घर की और विशु की हालत हो रखी है, वो तुम्हारे इन्हीं तमाशों की वजह से हो रखी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि विशु तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे वजह से इस घर को छोड़कर गया है? Exactly. मेरे मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं। और विशु तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? जिस घर में सुकून नहीं, उस घर में मैं एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता। बेटा बस करो, और कितना लड़ोगे तुम दोनों? वो रोज लड़ते हैं और जोर जोर से लड़ते हैं। मारो, मारो मुझे, मुझे मारो, मुझे मार दो ना। तुम्हारे इन बातों का विशु पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पैसा कमाने के लिए ना बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। विशु को कुछ हो गया ना तो तुम दोनों कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। ना तुम एक अच्छी माँ बन सकी, ना ही एक अच्छी बीवी बन सकी। तू घर से भाग कर आया ना? आज विशु की इस हालत के तुम दोनों जिम्मेदार हो। किसने तेरा किडनैप कर लिया? तो अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।